नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं अविनाश। खास खबरों में हमारा फोकस होता है उन खबरों पे जो पब्लिक और पॉलिटिक्स दोनों को प्रभावित करती हैं। ऐसी ही कुछ खबरों का सिलसिला लेकर हम आज आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं हमारी विशेष पेशकश खास खबर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने धारा 15A खत्म कर दी है। इसी के साथ प्रदेश की 4,264 कॉलोनियां अवैध हो गई हैं। प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने धारा 15A लाकर इन अवैध बस्तियों को वैध घोषित किया था। हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने यह आदेश उमेश बोहरे की जनहित याचिका पर दिया है जिसमें कहा गया था शिवराज सरकार ने धारा 15A का दुरुपयोग कर अवैध कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाया है। याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने 2018 में अपना वोट बैंक बनाने की नियत से योजनाओं का नियम विपरीत लाभ लेने की कोशिश की है। आपको बता दें, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 मई 2018 को प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत ग्वालियर से ही की थी। इसमें पहले चरण में नगर निगम सीमा की 690 अवैध कॉलोनियों में से 63 को वैध किया गया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 4,264 कॉलोनियां वैध कर दी गई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कॉलोनियां एक बार फिर अवैध हो गई हैं। तो पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जिन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम किया गया था उन्हें हाईकोर्ट ने एक बार फिर से निरस्त किया है और अब वही वैध कॉलोनियां जो हैं अब फिर से अवैध हो गई हैं। अवैध कॉलोनियों को वैध कराने को लेकर शिवराज सरकार ने अपनी काफी पीठ भी थपथपाई थी और अब एक बार फिर हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया है जिसमें अब जितनी भी कॉलोनियां वैध की गई थी फिर से अवैध हो गई हैं। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे एडिटर इन चीफ मनोज सैनी जी। मनोज जी, एक कहना चाहिए कि एक जो शिवराज सरकार का फैसला था जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और काफी पीठ भी उन्होंने अपनी थपथपाई थी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की, लेकिन जो हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला किया है ग्वालियर में उसके बाद फिर से जो वैध कॉलोनियां थी अवैध हो गई। बिल्कुल अविनाश, इसमें एक दरअसल एक अपील की गई थी और अपील के जरिए कहा गया था जो कॉलोनियां वैध की गई है वो ठीक नहीं है, लिहाजा मतलब जिस तरह का फैसला सरकार ने लिया उसको चैलेंज किया गया था जी। तो माननीय हाईकोर्ट ग्वालियर ने इसकी सुनवाई की और सुनवाई के उपरांत ये पाया कि ये संभव नहीं है कि इसको वैध कर दिया जाए। लिहाजा जो सरकार ने कदम उठाया था उसको ना मानते हुए 15A का जो इसको समाप्त कर दिया है। तो जाहिर है कि एक बड़ा जिस तरह से वायदा किया था, हालांकि इसका फायदा जरूर सरकार को मिला होगा जी, चुनाव के दौर में भी फायदा मिला है और बाकी जो चर्चाएं हुई अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लाभ उठाया जाए जी, जी। लेकिन अब उसको अवैध कर दिया गया है, तो यानी जिन लोगों की कॉलोनियां वैध हो गई थी जी, अब उनको फिर से उसके लिए जूझना पड़ेगा। अब नई सरकार क्या उसका फैसला लेती है ये देखना पड़ेगा जी। मनोज जी, एक बात और भी है कि अब इसका तो राजनीतिक फायदा उनको मिला नहीं मिला ये तो खैर अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यही सब तमाम चीजें हैं वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जैसा बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की बात की गई, वो बहुत डंका भी पीटा गया था इस बात का और तमाम सभाओं में और प्रचार के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बड़ी बातें कही थी वैध कॉलोनियों को जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की। लेकिन अब जो जिस तरह का हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद उनका क्या, जो खुश हो गए थे कि उनकी कॉलोनियां जो हैं वैध हो गई हैं, अब काफी कुछ जद्दोजहद एक नई तरह की उनके सामने पेश आई है जिसका सामना करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, अब इसमें तो निश्चित रूप से उनको जूझना ही होगा क्योंकि वो लोग तो मान के चल रहे थे कि उनकी कॉलोनियां वैध हो गई है जी। लेकिन जिस तरह का ये पूरा जो फैसला सुनाया गया, इसमें 25,000 करोड़ का करीब फायदा हुआ था सरकार को, इसमें बाकायदा पैसे भी लिए गए थे वैध करने के जी, जी। तो ये पैसे का क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी इसमें भ्रांतियां हैं, लेकिन अब इसको लेकर तो नई सरकार को ही कुछ करना होगा। लेकिन अभी तो ये कहा जा सकता है कि जिनकी कॉलोनियां वैध हुई थी जी, वो ठगासा महसूस जरूर करेंगे, लेकिन माननीय हाईकोर्ट का फैसला है तो अब इसमें हो सकता है कि अगली सुनवाई फिर सरकार की तरफ से इसमें कुछ दाखिल किया जाएगा जी। लेकिन वर्तमान सरकार की तरफ से कहीं कोई इसमें बयान नहीं आया। 8 मई 2018 को शिवराज सिंह चौहान ने फैसला सुनाया था, उसके बाद फिर इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी आया था कि 58 कॉलोनियां वैध की गई थी जी। तो इसको लेकर डबरा के ही एक व्यक्ति ने ये मामला दर्ज कराया था, इस तरह का आवेदन किया था जी। उसके बाद इस पर सुनवाई हुई, सुनवाई में सरकार को ये कहा जाए
पूर्ववर्ती जो सरकार रही शिवराज की, उनके फैसले को अवैध घोषित कर दिया। तो जाहिर है कि नुकसान तो होगा जिन कॉलोनियों को, जिनके घर बैद हुए हैं। पर अब ये बड़ा दिलचस्प कह सकते हैं इसको, एक ऐसे मोड़ पर मामला है कि एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ नई सरकार। नहीं तो उसमें यह भी हो सकता है मनोज जी कि जिनकी कॉलोनी वैध की गई थी और उस वजह से जो लोग खुश हो गए थे, उन्होंने रजिस्ट्रियां भी करा ली होंगी, डेवलपमेंट का पैसा भी जमा कर दिया होगा, उनके साथ अब क्या कुछ है, अब ये नई सरकार क्या करेगी, कमलनाथ सरकार उनके हित को किस तरह से साधने की कोशिश करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा ही जाएगा। दरअसल इसके पीछे भी बाकायदा जो यदि सरकार ने माना है, माननीय हाईकोर्ट ने माना, तो कोई ऐसे ही नहीं माना होगा। इसमें ये देखा गया था कि इसके नाम पर बड़ा गोरख धंधा हुआ था। तत्कालीन जो डिप्टी कलेक्टर जहां के भी तहसीलदार आरआई जो रहे होंगे, इन्होंने कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था इनको अभी, लेकिन कार्रवाई ना करते हुए उल्टा उनको पैद किया गया था। कुछ कॉलोनियां ऐसी थी और उन्हीं का हवाला दिया गया है, जिसके आधार पर तमाम सारा जो जिसे पैद किया गया था उसको अवैध घोषित किया गया। तो इसमें यदि ठीक ढंग से जांच भी होगी, अब मुझे लग रहा है, और जो जिम्मेदार अफसर भी रहे होंगे उस दौर में, जिनके लिए कहा गया था कि जो वैध अवैध कॉलोनियां हैं इन पर कार्रवाई की जाए, उनको वैध कर दिया गया था। तो ये बड़ा एक ऐसा मामला है, मुझे लगता है इसकी तकनीकी खामियां और तकनीकी जो चीजें हैं वो भी समझने की आवश्यकता होगी। पर अभी तो ये कहा जा सकता है कि एक करारी चोट है, खासकर उनके लिए जिनकी कॉलोनी वैध हो गई थी, अब वो अवैध ही कहलाएगी। लेकिन नई सरकार, हमें लगता है कि काफी सारे परिवार इससे जुड़े हुए हैं, तो सरकार कुछ फैसला जरूर लेगी। जी, जाहिर तौर पे अब नई सरकार को ही उनका उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, और नई सरकार का ही आसरा है उनको, क्योंकि जो हितग्राही हैं या जिनके प्लॉट हैं, जिनके मकान उन कॉलोनी में बने हैं, उनके लिए तो अब सरकार को ही आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका। तो जिस तरह से शिवराज सरकार में अवैध कॉलोनियों को ताबड़तोड़ वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और बहुत ही तेजी से इस दिशा में काम हुआ था, और हजारों कॉलोनियां जो हैं प्रदेश की, उन्हें वैध कर दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है, उसके बाद वो तमाम वैध कॉलोनियां फिर से अवैध हो गई हैं, और उन कॉलोनियों में जिनके प्लॉट हैं, मकान हैं, जो रह रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। और जहाँ तक है अब जो मौजूदा सरकार है, अब वो इस दिशा में उनके हित के लिए क्या कुछ करती है, उनको सहारा किस तरह से दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद गठबंधन का भविष्य अधर में जाता दिख रहा है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दिल्ली में समीक्षा बैठक की और यहां जो उन्होंने कहा उससे संकेत मिल रहे हैं वो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। मायावती ने कहा गठबंधन होने के बाद जैसे नतीजों की उम्मीद थी वो नहीं आ पाए। मायावती ने दो टूक कह दिया है, वो अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। मायावती की ओर से कहा गया है आगे की रणनीति पर काम करने से पहले वो गठबंधन की समीक्षा करेंगी। मायावती के इस रुख के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं, क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है 2022 में होने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव तक टिके होने की बात की जाती थी, अब वो टिक पाएगा या नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले और प्रचार के दौरान सपा बसपा दोनों ही 50 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन नतीजे पूरी तरह से उलट गए। गठबंधन सिर्फ 15 सीटों पर सिमट कर रह गया, हालांकि जो बसपा 2014 में शून्य सीटों पर ही थी, यानी एक भी सीट उसके पास 2014 में नहीं आई थी, अब वो 10 सीटों तक पहुंच गई है। फायदा तो हुआ है मायावती की पार्टी को, लेकिन अब गठबंधन अब इनका रह पाएगा नहीं रह पाएगा, इस पर एक सवालिया निशान लग गया है और सियासी गलियारों में जो है चर्चाओं का दौर जारी। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव परिणाम के बाद हो ना हो गठबंधन पर जो है कोई ना कोई इसको लेकर फैसला आ सकता है, और आज समीक्षा बैठक में मायावती ने एक तरह से संकेत दे दिए, लगता है कि औपचारिक घोषणा होना और बाकी रह गई। देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है मायावती का जी, और न ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है गठबंधन टूटने का या गठबंधन में कोई खटास हुई है। मायावती ने जिस तरह से आज दिल्ली में अपने हारे जीते प्रत्याशियों की और सारे जोनल कोऑर्डिनेटर और मंडल कोऑर्डिनेटरों की बैठक बुलाई थी जी, और जितने भी राज्य प्रभारी थे वो भी मौजूद थे, तो बड़ा फेरबदल किया है उन्होंने जी, और सीधे तौर पर बैठक में उन्होंने कारण जानना चाहा कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो यादव वोट बैंक है जी,
मछली वोट बैंक है वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया जी। तो ये तमाम जो वहाँ हारे हुए प्रत्याशी भी मौजूद थे और जो जोनल कोऑर्डिनेटरों थे उन्होंने ये सारा ठीकरा समाजवादी पार्टी में जो पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है यादव वोट बैंक उसका ट्रांसफर न होना बताया। यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो तमाम ऐसी जगहों पर खड़ी हुई थी जहाँ यादव वोट बैंक मूल वोटर थे वहाँ के जी और मजबूत वोट बैंक थे वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ट्रांसफर नहीं हो पाए जी जी। यानी समाजवादी पार्टी से यादव वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाए। लेकिन मायावती का आज ये साफ तौर पर कहना है क्योंकि मुस्लिम वोटर ट्रांसफर हुए क्योंकि जिस तरह से उनके कैंडिडेट दानिश अली या अगर हम बात करें अन्य कैंडिडेटों की तो उन्होंने फजलुर रहमान की बात करें तो वो भी चुनाव जीत कराए। यानी कि बसपा कैंडिडेट थे जो इनके मुस्लिम कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत कराए। तो साफ तौर पर कहीं न कहीं गठबंधन का अब मंथन होने लगा है कि इतनी जो करारी हार हुई है वो उसका कारण क्या था। हालांकि ये तमाम चीजों का अभी अखिलेश यादव इसको ढूंढना शुरू नहीं किए हैं। आज वो आजमगढ़ के दौरे पर हैं क्योंकि वहां से वो सांसद चुने गए हैं और वहां से गाजीपुर में जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको उनके घर वो गए हैं। लेकिन जिस तरह से मायावती ने अपने संगठन की बैठक की है और संगठन में पदाधिकारियों से डिस्कस की है फीडबैक जुटाया है और तमाम जो लोकसभा क्षेत्र की फीडबैक है उसको जुटाया है तो सीधे तौर पर ये कहना है कि कहीं न कहीं कमियां रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का मिलके मुकाबला नहीं हो पाया है। तो मायावती हमेशा पलटने की बात करती हैं और कभी भी राजनीति में उनकी विश्वसनीयता लगभग नगण्य है, मतलब शून्य के बराबर विश्वसनीयता है। वो कभी किसी भी तरफ जा सकती हैं, कुछ भी बयान दे सकती हैं, जहां उनको अच्छा ऑफर मिलता है वो उस तरफ वो निकल जाती हैं। तो ये अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि गठबंधन रहेगा कि जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मायावती ने उस सभाओं में जो लोग निकल कर आए हैं उन्होंने जो आप दरिकार बातचीत की है उससे सीधे तौर पर कहीं कहीं उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया है, खासतौर पर कार्यकर्ताओं द्वारा, जनरल कैंडिडेटों द्वारा और जो हारे हुए प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के उनके द्वारा। फिर अंत में मायावती ने अपने संबोधन भाषण में इस तरह की बातें कही है कि निश्चित रूप से शिवपाल के जाने से भी नुकसान हुआ है और वो उनके ऊपर आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी से वो उनकी मिली भगत थी क्योंकि शिवपाल को कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को पसंद नहीं करती है मायावती और निश्चित रूप से ट्रांसफर जो वोट बैंक है एक दूसरे में हो नहीं पाया जी। बट साहब एक सवाल और जहन में उठ रहा है, मायावती के मिजाज से तो सभी वाकिफ हैं कि वो किस तरह का उनका मिजाज है और ये भी लग रहा है कि अब जो करारी शिकस्त हुई है लेकिन फायदा तो कहीं ना कहीं बीएसपी को हुआ है इस बार के लोकसभा चुनाव में। कहां शून्य सीटें थी इस बार 10 सीटें लेके आ गए। लेकिन ये जो उनकी जिस किस्म का उनका नेचर है, जैसा आपका भी कहना है कि कब क्या वो कर जाए, कब क्या बयान दे दें और कब कोई फैसला ले लें, कोई कहा नहीं जा सकता और ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो जिस तरह से उन्होंने सपा पर पूरा ठीकरा फोड़ा है और यहां तक कह दिया उन्होंने कि डिंपल तक को वो जो है डिंपल यादव को भी चुनाव नहीं जिता पाए, तो अभी तक जो गलबहियां होती रही हैं प्रचार के दौरान सपा और बसपा की और जरा सा हार हुई या थोड़ा सा दुख तकलीफ का वक्त आया, कठिन घड़ी सामने आई तो पल्ला झाड़ लिया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और इसमें कहीं न कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसकी चिंता हम पत्रकार भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं और ये स्वभाव नहीं होना चाहिए चाहे राजनीतिक जीवन में हो या राजनीतिक जीवन के बाहर हो। अगर सामाजिक जीवन में व्यक्ति है तो इतनी जल्दी विश्वसनीयता को खत्म नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप से कोई बयान देना, कमेंट करना या फिर जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना ये भी उचित नहीं है। हालांकि कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक प्रेस नोट है, ना ही कोई आधिकारिक व्यक्ति सामने आया है इस तरह की चीजें मायावती ने कही है। ये सिर्फ कयासबाजी है या जो टुकड़े टुकड़ों में छन के जो खबर आई है जो बाहर निकले हैं तो उनसे टुकड़े टुकड़ों में खबर जो जुटी है जो मायावती ने वहां अंदर अपना रिएक्शन दिया है उसके बारे में लोगों ने बताया है और निश्चित रूप से धैर्य की आवश्यकता है। मायावती का जो वोट बैंक है, जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक है, वो कहीं कहीं खिसक गया है। 2014 में भी पूरी तरह से जो है इसका और काफी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को भी गया। इस बार भी मायावती का काफी वोट खिसका है और ये जो वोट मायावती ने जो 10 सीटें जीती हैं वो मायावती के साथ जो मुस्लिम वोटर आए खासतौर पर अखिलेश यादव के होने की वजह से और कहीं न कहीं मजबूत कैंडिडेट के रूप में आए,
तो उसके वजह से ये चुनाव जीती है और निश्चित रूप से फायदे में है। 10 सीट कहाँ, जीरो कहाँ 10, जी जी, तो 10 सीटों के साथ लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व तो होगा, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी का। जी जी, एक 10 सांसद लोकसभा में उनकी बात यानी बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होंगे, विरोध करेंगे वो अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीतियों का। लेकिन वही संख्या 5 हो गई है, जी वही संख्या जिस तरह से 5 हुई है जी समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश सेटबैक में है जी, और नए सिरे से उनको खड़ा होना पड़ेगा जी। और गठबंधन अलग, जैसे ही अलग की कयासबाजी हुई है जी, तो उसके साथ साथ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बांछें खिल गई हैं जी जी। केशव मौर्य का ट्वीट भी आ गया है जी, बुआ बबुआ की जोड़ी खत्म हो गई, जी बुआ बबुआ अब बुआ जो है साइकिल पे सवारी हाथी पे नहीं करेगी जी। तो एक तरह से कयासबाजी जैसे ही लगी है तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर अपना रिएक्शन भी देने लगी है जी जी। और निश्चित रूप से आगे चुनाव जब होंगे जी, तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालांकि तो मायावती इस तरह के संकेत दे रही हैं कि 11 जो विधानसभा की सीटें हैं जो खाली हो रही हैं जी जी, उस सीटों पर चुनाव अकेले लड़े जी जी, और ये उनका एक प्रयोग होगा, हो सकता जी है जी, अकेले जी। एक बात और भी भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से वो 11 सीटें जो खाली हो रही हैं उन पे तो उपचुनाव जो होंगे उसके लिए उन्होंने हो सकता है कि बात कही हो कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2022 के चुनाव में की भी एक किस्म से कहा समझा जाए कि पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, लगता नहीं कि गठबंधन जो है मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में, मायावती के मिजाज और मायावती की सोच जो जिस तरह की है उसको देखते हुए लगता है सबक शायद उन्हें ऐसा लगता है कि गठबंधन से करने में उनका जो ये प्रयोग था वो सफल नहीं हुआ, तो आगे भी लगता नहीं कि साथ काम करेंगे, या क्या राजनीतिक परिदृश्य बनेगा उनके मिजाज के हिसाब से, वो थोड़ा सा उनका अभी जो उन्होंने जो भी अंदर खाने से खबर छन के आ रही उसके हिसाब से देख के लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अगर अपने व्यूवर्स को कुछ कट चीजें बताऊं, यानी कि जिसको कहा जाए हार्ड जी जी, मतलब बिल्कुल कठोर चीजें अगर मैं बताऊं बहुजन समाज पार्टी की पर और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर, विगत तकरीबन 26-27 सालों से मैं इनको कवर कर रहा हूं जी, और मायावती को बहुत करीब से मैंने देखा है, उसकी जी उनकी वर्किंग पर, उनकी कैंडिडेटों के चयन पर और उनकी मीटिंगों में जिस तरह से वो बिहेव करती हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके पार्टी के जो कई कई बार चार चार बार के वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो मुझसे मिलते हैं, शेयर करते हैं जी जी। ये बिल्कुल अब बहुजन समाज पार्टी का जो स्वरूप हो गया है, देखिए जो दलित वोट बैंक था वो बहुत विश्वास करता था मायावती के ऊपर, मायावती एक बार में अपने सारे वो ट्रांसफर कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं उन दलित वोट बैंकों का विश्वास मायावती के ऊपर घटा, मिथक टूटता सा लग रहा है, जो मिथक बन गया था भट्ट साहब, माफ कीजिएगा टोक रहा हूँ आपको बीच में, मिथक जो था वो टूटता सा लग रहा है। हाँ, निश्चित रूप से जी, जब ये बहुजन समाज पार्टी को एक कारपोरेट की तरह चलाना शुरू कर दिया है जी, और जिस तरह से मायावती के ऊपर कई वर्षों से ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो टिकट पैसे देकर टिकट देती हैं, इस पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि टिकट देकर उन्होंने सांसदों के टिकट दिए हैं पैसे लेकर, तो इससे कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता कमजोर हुई है जी, और ये कारपोरेट के तरह उन्होंने अपनी पार्टी को चलाना शुरू कर दिया है जी। पार्टी में सेकंड लीडरशिप है ही नहीं है, और जैसे उन्होंने अभी अपने भतीजे को निकालना शुरू किया है आकाश को जी जी, और उसको राजनीति में प्रोजेक्ट कर रही हैं जी जी, और आगे चलकर अपना उत्तराधिकारी भी नामित कर सकती हैं, तो लोगों का धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से भरोसा कम हो रहा है जी, और वो वोटर जो जिनको सब्सिडी का गैस सिलेंडर मिल रहा है, फ्री का गैस सिलेंडर मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है और गांव में जो सुविधा मिल रही है, तो उनका झुकाव सीधे कहीं ना कहीं धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। चलिए, ये तो अब राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या कुछ घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और जैसा मिजाज है मायावती का तो निश्चित तौर पर लगता है कि गठबंधन पर कहीं ना कहीं संकट के बादल छाए हुए हैं, आगे आगे देखिए होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भट्ट साहब आपका। तो मायावती ने बैठक में एक तरह से ऐलान कर दिया है कि अब वो आने वाले चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी, और अंदर खाने से जो खबरें, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही हैं, तो उसके हिसाब से लगता है कि अब गठबंधन जो है आगे बहुत ज्यादा टिकने वाला नहीं है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार।